16 मई 1912। प्यारे सज्जन जी, मैं प्रार्थना करदा हां कि सतगुरु दी आत्मा आप नू अपने प्रेम दे मंडल विच लगातार रस दा अधिकारी बना लवे। आप दे पत्र विच जो प्यार भरे लफ्ज आपने लिखे हन, मैं उना दा शुक्रिया की करां। केवल इतना आखदा हां कि मैं आप नूं मिल के बहुत प्रसन्न होया हां और मेरे चित विच आप दा ख्याल अक्सर वेर फेरे पांदा है। मेरे प्यार विच ही नहीं, मेरे प्यार विच आप दा ख्याल आवसदा है, पर मैं कुछ संकोच जेहे विच रहंदा हां। इंसान दे जी विच सुरत मत मन सुध दे दर्जे दा जो सामान है, इस दी नी शक पर है। प्रेम दा वासा इना तो अगे सिद्धि दे मंडल विच है, जिथे अकल दे खम सड़दे हन, पर ओ सिद्धि भी एक मुकम्मल अकल है जो आपने कार्ज लई डिडक्टिव ते इंडक्टिव लॉजिक दी मुथाज नहीं रहिंदी। मेरे हिरदे विच आप दे मिलन तो और आप दी गलूम दा जिक्र जानन तो अतृप्त प्यार परी ए इच्छा पैदा हुई कि काश नानक प्रेम दी कंटिन्यूस करंट आप दे अंदर छिड़ पए और आप दे डिवाइन बलवलियां दे अप्रशस जो साईं वल्लो आप नूं प्राप्त हन, आप लई सच्ची मुच्ची प्रीतम जी दे देश लै जान दे कारण बन जान। मैं जद आप नूं डिठा है, केवल आप दी आत्मा दी निरोलता ए भुल के कि तुसी पंडित हो प्रसिद्ध हो, खिच करदी है ते चित ए चाहुंदा है कि क्यों ना आप दे आत्मा विच नानक प्रेम दी ठंडी प्यारी रस भरी मिठी ते आनंदी रौं लगातार जारी हो जावे। मेरी शुभ इच्छा ते प्यार भरी तांग यह है, गुरु नानक देव दे हिसाब नाल असी सारे मुर्दा हां। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवै कोई। ते जिंदगी स्पॉर्मेडिक शै नहीं, जिंदगी लगातार होनी चाहिए। लाइफ मस्ट बी कंटिन्यूअस। एहो कारण है कि श्री गुरु जी ने मध्यम वेग दी लगातार वेव लहर सिखां नूं सिखाई। मध्यम ते लगातार रहन वाली शै लाइफ कहला सकदी है। इस बिना देह निकम्मी है, साची लिवै बिन देह निमाणी, गुरु जी दा वाक है। जदों कदे उभार उठदे हन, ओ सुरत नूं हेठां सट जांदे हन। पिछे नशे टुटन वर्गी टोट पैंदी है जो पहले नालों कमजोर करदी है, पर जीवें उच्चे पर्वतां दे पैर बेस खड्डां ते जंगलां दे हनेरे वालियां डुंगाणां विच खड़े हुंदे हन। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੀਵੇਂ ਥਾਈਂ ਅਰ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੋਊ
कि पच्छम विच कई लोग अजकल इनर लाइफ दे मुतलक बहुत कुछ लिख रहे हन, पर मैं उना विचो जो देखिया हन सब विच मोडस ओपरेंडी दा काटा डिठा है। गल दा बयान उस दा एनालिसिस अर सारा हीज प्याज ता उ लिख दे हन, अर दिमागी ख्याल नाल करन दे साधन लिख दे हन, पर असल निरोल साधन जो अनपढ़ ते पढ़े रोगी रूह ते अरोग रूह हर तबके ते हर दर्जे दी तरक्की दे आदमी नू रूह पा के लै उठे ओ नहीं दिस दे। एहो कारण है कि उना दे पाठक लाभवंत नहीं हुंदे। माइंड ब्रोड ता हुंदा है, पर ऐस भांत कि ओ ब्रोडनेस विच अपने आप नू खो बैंदे हन। सो इसे तरह वेदांत दी सिख्या दा असर पै रहा है। वशिष्ठ जी दा एह मसला हर किसी ने पढ़िया है कि तेरे फुरने दा संसार है, पर यह विचार कोई नहीं करता कि सोल अपनी एवोल्यूशन विच घट तो घट एक वेर ता हेठले नुक्ते तो इंसानियत दे दर्जे तक हर जून विचो लंघ के आई है। जेकर हिंदू हिसाब मुजब 84 लाख लै लईए ते हर जून दी औसत उम्र 10 वरे कढ लईए ता 8,40,00,000 वरा असी 5 विषयां दे फुरने विच रहे हां। गोया बड़ा ही लम्मा समा 5 विकारां दे फुरने दे अभ्यास विच बीत चुका है। अभ्यास नाल ख्याल स्थूलता दे दर्जे तक पहुंच जांदा है, फिर हुन साडे अंदर प्रकृति दा फुरना कितना करड़ क्रिस्टल बना चुका है। जे हुन फुरना ही कल्याण करता है ते टुट के इस पुठे ख्याल दा अभ्यास कोई समा होवे ता ओ क्रिस्टल पंगरे द्रवे फेर हवा बने फेर आत्म रूप होवे। असी सहज ख्याल उस दी टोट समझ दे हां, फिर ओ ख्याल कॉन्टीन्यूअस नहीं बनदा। कदे आया कदे लंघ गया, जद ओ ख्याल बंद हो जांदा है ओ अंदरला द्रवना बंद पै जांदा है। सतगुरु जी आखदे हन अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगाह कहो कैसे गवै। इस तो मलूम हुंदा है कि असा किसे नीवी खड तो पहाड़ दी नीह तरनी है, किसे समुंदर दे डूंगे विच सतह तो उचेरे जजीरे दी खातर हेठां कोल दी नी तरनी है, अर ओ नी किसे निमाने कीड़े ने तरनी है, जिस दा समा पाके महादीप बन जाना है। सतगुरु जी ने लिखिया है किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गणी ना आवे। कोई एवोल्यूशन प्रोग्रेस मुकम्मल नहीं जब तक पहले कोई किणके न्यूक्लस ना बने। इसे करके सतगुरु आखदे हन कि गुरुमुख कोट उधार दा भाई दे नावे एक कणी। फिर सतगुरु जी लिखदे हन कि ए जिंदगी पैदा होन दा ए लिव लगन दा शब्द बुद्धि ते मन दे मंडल दा शब्द नहीं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਰੁਚੀ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੁਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ ਤਰਦੀਸ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਗੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ते परवरश करदा है। अर ए तरीका हेठों शुरू करके गुरु नानक दी सुरत तक अपनी सुरत परो के प्राणे तक पहुंचना है। चित्त है चित्त समाए ता होवे रंग कणा, सतगुरु जी दी आज्ञा है। सो प्यारे जी, कैसा आनंद दा समा होवे कि प्रीतम जी दी प्यार दी लहर अठ पहर उठे। प्रीतम जी दे प्यार दे हुलारे हर वक्त रंग विच रखन, अर कृपाल सतगुरु साडे अंदरों भुल के बंधन कटे। अर कृपाल सतगुरु साडे अंदरों भुल दे बंधन कटे। साडी आत्मा उस दी आत्मा नाल याद दी डोर नाल इक हो जावे, जो हर चिन्ह उस प्रेम दे चश्मे विच्चो जिंदगी बख्श हुलारे, ते जीवन रौ दे लहरे आ आ के वजन। चश्मे दा पानी ते सरोवर दा पानी एको जिहे सजरे ताजे ते आनंदी हो जान। प्यारे जी, मैं दलीलां होर की लिखां, तुसी आप काफी तो वधीक जानदे हो, पर मेरा प्यार एहो चाहुंदा है कि मध्यम वेग दी कॉन्टीन्यूअस लहर जो चढ़ दियां कला दी है ओ पैदा हो जावे ते स्पोरमैडिक ना रहे। इन अदर वर्ड्स, मैं चाहुंदा हां कि आप जरा हेठ उतरो, ब्रह्म दी लीनता नू छड़ दियो, नानक प्रेम विच आओ और इस द्वारा प्रीतम जी दे प्रेम दा हुलारा लो। अठे पहर रस दी चरनाट आनंदी छिड़े, लू लू विचो प्यारे जी दा प्यार फुटे, प्यार सुरत विच उमा लवे ते उमा भरी रखे। ज्ञान इज टू नो हिम, लव इज टू हैव हिम। वीर सिंह। तेई मई 1922। गुरु सवारे जी, वाहिगुरु जी दे प्यार विच रहो, यह मार्ग बड़ा कठिन है। किसे आत्मा नूं अपने शरीर दे अंदर अपना केंद्र सेंटर लब पैना ते जीवन ने उस आधार ते टिक जाना, यह कोई खेड नहीं। जन्म जन्म दे साडे कर्मा ने सानू कर्म दशा अर्थात ऑब्जेक्टिव बना दिता है, अर्थात असी उस शटलकॉक चिड़ी वांगू हो गए हाँ जिसनू खेडन वाला एक पास्यों मारदा है तां दूजे पासे पई मारी मारी फिरदी है। साडा मन अपनी टेक ते नहीं, पर लोकां दे ख्यालां वहमां रावां नुकतां चीनियां उस्तत निंदिया अर रोज वापरदियां हालतां दे अगे इस तरह लम्मा पै जांदा है कि यह सारियां चीजां मन नूं ठोकर मारदियां हन। साडे अपने मानो भूत हो के साडे मना ते हुक्म कर रहे हन। असीं इन्हां अपने भूतां ते लोकां दे वहमां ख्यालां दे अगे गुलाम बन रहे हां। फिर तमाशा है कि इस रूहानी गुलामी विच फसे बंदे पदार्थ इज्जत जवानी आदिक दे नशे विच आकड़दे ते दाने बन बन बैठदे हन, बेथवे हन, दुखी हन। उना दे ते जानवरां दे जीवन विच फर्क नहीं। जानवर भी खांदे पींदे सोंदे मर जांदे हन, एह आदमी भी एहो कुछ करदे हन ते मर जांदे हन। दिन रात इस हालत विच रहंदे कदे नहीं सोचदे कि इस सुंदर शरीर प्यारे मन सुची
शुद्ध ते उच्चे आत्मा दा की प्रयोजन है? आप जानते नहीं पर दूसरियां नू नीवा तक दे ते मखोल कर दे हन, ए उना दे वश नहीं। उना दे मन गुंजलदार हो गए हन, ओ सीधे ते साफ गल नू समझ नहीं सकते। इस तरह दा संसार है जिस विच किसे नू भाग वास्ते कुछ कृपा आसरे सीधी गल दी सोझी पैंदी है। ओ आखदा है कि हाय मैनू सुख होया है, ठंड पई है, अमोलक खजाना लब्बा है, होरना नू भी लब पवे ते ओ भी मेरे वांगू सुखी हो जान। ए वासना ता शुभ है पर हरेक दे भागां विच लाल नहीं हुंदे। ते रस्ता ऐसा है कि इस रस्ते दे वंजारे शूम नहीं हुंदे, हरेक नू दात देंदे हन, अर तारन दा जतन करदे हन। किसे नू लाभ होवे जा ना, पर ओ फुहारे दी तरह हर वेले दात दी छै बरलाई रखदे हन। इसे सारे सिलसिले नू समझ के आप सतगुरु नू केंद्र बना के अपने अंदर अपनी टेक ते रहीदा है, अर शैटल काक नहीं बनीदा। बाकियां ते वित मुजब रहम करीदा अर सहायता देईदी है। जिस दे पाग उदय होण उसनू जरूर लाभ हो जाएगा। सब तो भारा कम यह है कि अपनी लिव कलगियां वाले दे चरना नाल ना टूटे। जिस सरोवर दा तलक चश्मे नालों टूट जाएगा उस सरोवर तरकेगा। जिस आत्मा दा संबंध परमात्मा नालों टूट चुका है, अर्थात जिन्हां दी लिव टूट चुकी है, ओ बदबूदार हो जांदे हन। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, लिव टूटी वाले माया दे हेठ लगे गुलाम हन। ओ गदियां ते बैठे हुकम कर दे कुंजियां साम दे गुलाम हन। सुतंत्र ओ है जिस दी आत्मा कलगियां वाले दी गुलामी विच उस दे चरना नाल लिव लाई दुनिया दे कम कर रही है। लिव सानू कमजोर नहीं पर बलवान ते दाने बनांदी है। लिव वाला दुनिया दे कम चंगे करदा है पर अंतर आत्मे अठे पहर हर दम अपने चश्मे नाल मिलिया रहंदा है। उस दे विच वाहेगुरु जी विचों हर वेले जिंदगी बख्श लहरे ते ताजगी दे हुलारे हर वेले हुलारे मारदे रहंदे हन। उस दी आत्मा टिकी हुई खिड़ी हुई रस पिनी ते आनंदी रहंदी है। पर बीबा जी ए मखौल नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ के देखो ए कितनी दुर्लभ ते अमोलक है। जे मिल जाए ता इस दी कदर एहो पाई दी है कि इसनू नप के फड़ीदा है, कुट के रखीदा है ते खिसकन नहीं देईदा। वीर सिंह। प्यारे जी, असी नाम स्वाद आसरे जपदे हां। स्वाद ता ऐसी चीज है जो जान बुझ के पाप करवा देंदा है। जो कदे पाप विच रस ना हुंदा ता पाप कौन करदा। इसे तरह जे नाम दे आदि विच रस हुंदा ता कौन ना जपदा। पर ए ता शिला अलूनी चटनी तुलना लख अमेरस इपी। ए जेड़ा अलूनी शिला दे चटन दा समा है, हिम्मत नाल कसीस वटन नाल सफल हो सकदा है। जो रस कितो मिल गया है ते नाम जप लिया ता केड़ी वड्डी गल होई। जदो रस टूटे तदो जपे, कसीस वट के जपो, सावधान हो के जपो। तदो ता स्वाद है, तदो शरीर विच गुबार हुंदा है। ए गुबार नाल नाम दा जुद हुंदा है। जुद विच सुख किथे, जुद विच ता सावधान
ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਫਾਇਰ, ਕਿਤਿਆਂ ਗੜਾ ਗੜ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਢਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਤਾ ਕਿ ਕਿਲਾ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਫਿਰ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੈ ਜੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਪੀ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੋਚ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਵਗਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਦੁਗਾੜੇ ਫੈਂਕੋ, ਨਾਮ ਅਸਲ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਰਸ ਆ ਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਗੁਬਾਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਾਵਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਘਬਰਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸੀਸ ਵੱਟ ਕੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ। 20 ਜਨਵਰੀ 1913। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਦਰਗਾਹੇ ਪਰਵਾਨ ਢਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਤ, ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਇਹ ਢਾਈ ਅੱਖਰ ਪਕਾ ਲਏ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਨੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਵਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਣੇ। ਜੋੜ ਢਾਈ ਅੱਖਰ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1913। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਹੋਰ 2-4 ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 35 ਵਰੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਦੇ ਚੁੱਪ ਟੁਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਹੈ, ਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਡਾਵੇ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਅਰ ਕੋਈ ਦਮ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝਲਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਤ ਖੇੜਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਨੇ ਸ਼ਨੇ ਮੁਰਦਾਪਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੋਈ ਰੂਹ ਜੀਵ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਕਾਠ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
क्यों लगातार लिव साडे विच अजे नहीं लगदी? इसका उत्तर यह है कि जन्म जन्म दे करम सिर ते खड़े हन। जद इना दा दा पैंदा है रस चुके लैंदे हन। फिर हर रोज असी पुल्ला करदे हां, किसे नाल ईरखा जा साड़ा उठ खड़ोंदा है, किसे दा पै चित्ते पै जांदा है, किसे वल मुंह प्रबल पै के तू मारदा है। इस तरह दे भावां नाल चित्ते मैल पै जांदी है, हजूरी दा रस उड़ जांदा है। जद ताई संसार दे असरां हेठ लगनों नहीं बचदा, डिगदा टैंदा रहिंदा है। जे शेर होके हो परे सिख लवे ता रस कट उड़े। सोचां ते रस दा वैर है, ज्यों ज्यों आप हजूरी विच दम लैसो ते विसिमरन विच ना पैसो, त्यों त्यों सुख वधेगा। संकोच विच सुख बाला है, परविरत मार्ग जेता किच होई है, तेता लोक पचारा वाली गल हुंदी है। मैं ता ग्रस्ती हां, जो कुछ मैनू सरे मैं गुरु नानक दे बालका नू बाबाणियां कहानियां सुनानो दरेग नहीं करदा। होर की अठे पहर चित हजूरी विच रख सिमरन करो, सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, नानक ताके कारज पूरा वाला। सतगुरु दा इकरारनामा साडे पास लिखिया पिया है, डर कादा है ते तौखला कादा, जिना न विसरै नाम से किने हिया, भेद न जानू मूल साई जे हिया। सतगुरु ने आख्या है, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नाम जपना मुशक्कत कालनी है, रस पिछो पैंदा है। जो पहलो ही रस दे चावान होके मुशक्कत कालनी छड़ दईए ता कुरस्ता पैंदी है। फिर सतगुरु ने लिखिया है, साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा। साडा लोकां नाल मोह वैर है, लोकां दा पै है, लोकां पर परम है, ठाठा बागा नहीं। इसे करके साडे अंदर आशा ते अंदेशा वद्दा रहिंदा है। सतगुरु लिखदा है, आशा अंदेशा दोए पट जड़े, हुन रस तां पवे आस अंदेशे ते नहीं केवल, हउमै शब्द जलाए। रस इना पुल्लां करके नहीं पैंदा, पवे ता भज जांदा है। साडी खेती जद फुटदी है उठदी है ता चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, भावें किरपा करके सतगुरु ने सानू गुर दिखलाई मोरी। जित मिर्ग पड़त है चोरी, पर असा अजे मूंद लिए दरवाजे वाला काम नहीं किता। इस करके सिट्टे विच बाजीले अनहद बाजे वाला फल नहीं लगदा। ता ते हरदम सिमरो, हरदम उच्ची खिच विच रहो, अंदरो अलिप्त वरतो, फिर रस दियां तारां चश्मे समान जारी रहन। हिम्मत करो आगाह कूत्रांग पिछा फेर ना मुहडड़ा, नानक सिज एवेहा वार बहर ना होवी जन्मड़ा। वीर सिंह।